हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को न्याय का योग यानी मूव्स ऑफ सिलोजिज्म के विषय में बतलाऊंगी। योग न्याय का वह रूप है जिसमें न्याय के तर्क वाक्य से या आधार वाक्य पर निर्धारित होता है। परिणाम और गुण के अनुसार तर्कशास्त्र में तर्क वाक्य चार प्रकार के होते हैं, ए, ई, आई और ओ, और इन्हीं तर्क वाक्यों के आधार पर आकार भी चार प्रकार के होते हैं, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर, यानी प्रथम आकार, द्वितीय आकार, तृतीय आकार और चतुर्थ आकार। अब आ जाइए कि न्याय के आकार, और एक चीज़ मैं और बतला देती हूँ कि ये जो ए, ई, आई, ओ है, इन्हीं चार वाक्यों में से तीन वाक्यों के तर्क, तीन वाक्यों के आधार पर आकार बनता है। यानी जैसे किसी में ए, ई, आई, ओ है तो इसी में ए, ई, आई रहेगा, किसी में ए, आई, ई रहेगा, किसी में ए, आई, ओ रहेगा। तो इस तरह से चार में से तीन तर्क वाक्यों के आधार पर न्याय का आकार बनता है। न्याय का आकार, न्याय का आकार जो है मध्यवर्ती पद यानी मिडिल टर्म के आधार वाक्य में स्थान परिवर्तन से निर्धारित होता है। यानी आकार में जो परिवर्तन है वो मध्यवर्ती पद जब अपना स्थान चेंज कर देता है तो उसके आधार पर न्याय के आकार में परिवर्तन हो जाता है। पहले भी बतलाई हूँ कि किसी भी न्याय में तीन पद होते हैं और एक ही पद दो बार व्यवहार में आता है, मध्यवर्ती पद दो बार, बृहत पद दो बार और लघु पद दो बार, अर्थात रियल माने में तीन ही पद होते हैं, बृहत पद, लघु पद और मध्यवर्ती पद। तो मध्यवर्ती पद के स्थान चेंज करने से आकार में परिवर्तन होता है। अब आ जाइए कि किसी भी, और चूंकि ये मध्यवर्ती पद बृहत वाक्य और लघु वाक्य में उद्देश्य और विधेय के स्थान पर होते हैं तो इस प्रकार न्याय में चार प्रकार का आकार होता है, प्रथम आकार, द्वितीय आकार, तृतीय आकार और चतुर्थ आकार। तो प्रथम आकार में बृहत पद में मध्यवर्ती पद जो है सो उद्देश्य के स्थान पर होता है। इस ये बोर्ड में मैंने बनाया है, ये प्रथम आकार है, तो इसमें मिडिल टर्म पहले आधार वाक्य में उद्देश्य के आधार स्थान पर होता है और द्वितीय आधार वाक्य में ये विधेय के स्थान पर होता है और लास्ट में कंक्लूजन निकलता है इस डैश पी, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जो संबंध दिखाया जाता है, देयर फॉर एस पी। तो प्रथम आकार में मिडिल टर्म याद रखिएगा कि प्रथम वाक्य में उद्देश्य के स्थान पर और द्वितीय आधार वाक्य में विधेय के स्थान यानी प्रेडिकेट के स्थान पर होता है। ये हो गया आपका प्रथम आकार। अब आ जाइए द्वितीय आकार। द्वितीय आकार में मिडिल टर्म जो है सो प्रथम वाक्य में भी प्रेडिकेट यानी विधेय के स्थान पर होता है और द्वितीय आकार में भी विधेय के पद पर होता है। यानी द्वितीय आकार में मिडिल टर्म जो है सो पहले और दूसरे दोनों आधार वाक्यों में विधेय यानी प्रेडिकेट के स्थान पर होता है। अब आ जाइए तृतीय आकार। तृतीय आकार में मिडिल टर्म जो है सो प्रथम वाक्य में भी उद्देश्य यानी सब्जेक्ट के स्थान पर होता है और द्वितीय वाक्य में भी सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। तो ये हो गया आपका तृतीय आकार। अब चतुर्थ आकार में मिडिल टर्म जो है सो पहले वाक्य में उद्देश्य के स्थान पर होता है और दूसरे वाक्य में पहले वाक्य में विधेय के स्थान पर होता है और दूसरे वाक्य में उद्देश्य के स्थान पर होता है। तो ये जो मिडिल टर्म का मैंने जो आप लोगों को फिगर बतलाया है इसी के आधार पर आकार में परिवर्तन होता है। आप ध्यान से देखिए तो ऐसे याद कीजिएगा कि प्रथम आकार में मिडिल टर्म प्रथम वाक्य में उद्देश्य के स्थान पर और द्वितीय वाक्य में विधेय के स्थान पर।
फिर द्वितीय कार में मिडिल टर्म जो है सो दोनों में प्रेडिकेट के स्थान पर होता है। तृतीय कार में उसका उलट जाता है, यानी उसके जस्ट विपरीत होता है। द्वितीय कार में प्रेडिकेट के स्थान पर होता है और तृतीय कार में दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। अब फर्स्ट और फोर्थ में मिलान देखिए, तो फर्स्ट में प्रथम वाक्य में उद्देश्य के स्थान पर है, लेकिन फोर्थ वाक्य में आप फोर्थ आकार में आपका मिडिल टर्म विधेय के स्थान पर आया है प्रथम वाक्य में, और उस प्रथम आकार में दूसरे वाक्य में विधेय के स्थान पर होता है और चतुर्थ आकार में वो उद्देश्य के स्थान पर होता है। तो यानी प्रथम आकार का जस्ट विपरीत होता है चतुर्थ, और इसमें द्वितीय में याद रखिएगा तो बहुत ईजी है, इसमें आपका विधेय के स्थान पर होता है द्वितीय आकार में मिडिल टर्म दोनों आधार वाक्यों में, और तृतीय आकार में मिडिल टर्म उद्देश्य के स्थान पर होता है दोनों आधार वाक्यों में। तो इस तरह से आपका प्रथम आकार, द्वितीय आकार और तृतीय आकार और चतुर्थ आकार हो गया है। एक बार मैं फिर बतला दूं, वैसे बहुत इजी है, आप लोगों को किताब वगैरह में भी मिल जाएगी इसका फिगर। प्रथम आकार में मिडिल टर्म प्रथम वाक्य में उद्देश्य के स्थान पर, द्वितीय आधार वाक्य में विधेय के स्थान पर। द्वितीय आकार में मिडिल टर्म दोनों वाक्यों में विधेय के स्थान पर, और तृतीय आकार में मिडिल टर्म दोनों आधार वाक्यों में उद्देश्य के स्थान पर, और चतुर्थ वाक्य में प्रथम वाक्य में विधेय के स्थान पर और द्वितीय वाक्य में उद्देश्य के स्थान पर। तो ये आपका फिगर हुआ प्रथम, यानी फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर। अब इन चारों आधार वाक्यों के आधार पर हम कितने तरह के वैलिड मूड बना सकते हैं, तो जो मैंने आप लोगों को 10 नियम बतलाया है वो जो सामान्य नियम है और सभी आकार में वो नियम लागू होते हैं। तो जैसे सभी जो वैलिड मूड हैं वो सभी वैलिड नहीं हैं, उसमें कितने भी आधार वाक्य जो हैं उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्योंकि मैंने जो नियम बतलाया है कि दो निषेधात्मक वाक्यों से नहीं निकलता है, दो अंशव्यापी वाक्यों से नहीं निकल सकता है। तो इस तरह से और भी जो जो नियम बतलाए हैं उन नियमों के आधार पर प्रथम आकार में वैलिड मूड कौन से हैं, द्वितीय आकार में वैलिड मूड कौन से हैं, तृतीय आकार में वैलिड मूड कौन से हैं और चतुर्थ आकार में वैलिड मूड कौन से हैं, इसके विषय में मैं बात करती हूँ। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि किसी भी सिलोजिज्म में का मूड्स उसके वाक्यों पर निर्भर करता है, इसलिए मूड भिन्न भिन्न हो जाते हैं। सिलोजिज्म कितने प्रकार के हो सकते हैं और इसमें कितने सही हैं और कितने गलत हैं, तो इस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले आ जाइए कि मैं बताई हूँ कि तर्क वाक्य चार प्रकार के होते हैं, ए, ई, आई और ओ। तो ए, ई, आई, ओ जो होता है तो उसमें आप आ जाइए कि जैसे ए पहला वाक्य लीजिए, तो क्या दो आधार वाक्य ऐसे हो सकता है, ए हो सकता है, दूसरा ए ई हो सकता है, तीसरा ए आई हो सकता है और ए हो ओ हो सकता है। तो इस तरह से चार वाक्य हो गया। अब द्वितीय में भी आ जाइए तो ई ए ई ई ई आई और ई ओ, तो आप देखते हैं कि इसमें चार इसमें चार, उसी तरह से आई में भी चार होगा और ओ में भी चार होगा। तो इस तरह से चार चार आठ और चार बारह चार सोलह, सोलह मूड्स बनते हैं। अब इसमें निष्कर्ष पर विचार किया जाए तो प्रत्येक में चार मूड्स और होंगे। जैसे आप मान लीजिए ए से ए निष्कर्ष निकला, ए ए ए से फिर आपका है ए ए से ए ए ए ए से आई निष्कर्ष निकला, फिर ए ए से आई और ए से ओ। तो इस 16 इक्वल टू 4 यानी 64, तो 64 योग बनते हैं। और उसमें आप लोगों किताब जो खरीदिएगा उसमें भी इस तरह का बात लिखा हुआ होगा, उसको आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप आ जाइए कि 64 को भी यदि हम
प्रत्येक ये मिलेंगे तो 264 योग होता है, लेकिन 264 योग जो है वो सही मूड्स में नहीं होता है। तो इस तरह से 256 मूड होगा, तो 256 मूड चारों योग में होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 19 सही मूड्स होते हैं और बाकी जो है सो इनवैलिड होते हैं। इनवैलिड कहने का मतलब है कि उससे सही निष्कर्ष, तर्कशास्त्र के जो नियम हैं उनके अनुसार सही निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। थैंक यू। अगले की वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को बतलाऊंगी कि कौन से फिगर में कितने वैलिड मूड हैं। थैंक यू।